साथ बृहस्पति प्रकाशन की ओर से आयोजित इस लोकार्पण समारोह में मैं माधव कौशिक आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारे दोनों मुख्य अतिथि डॉक्टर करण सिंह जी और न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर साहब हमारे मध्य विराजमान हैं। मैं उनका और दिल्ली के सभी बौद्धिक प्रखरता वाले सभी बुद्धिजीवियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आमोद वर्धन जी को, जिन्होंने दोनों पुस्तकें प्रकाशित की हैं, सूफी सत्ता और समाज, जम्मू कश्मीर और महाराजा हरि सिंह, कि वो अपने विचार रखें। श्री आमोद। नमस्कार। परम आदरणीय डॉक्टर करण सिंह, माननीय जस्टिस श्री टी.एस. ठाकुर जी, मेरे पुत्र श्री हरबंस सिंह जी, माधव जी और उपस्थित देवियों से जिलों, आज से ठीक 5 वर्ष 4 महीने वगैरह पहले एक पुस्तक का विमोचन हुआ था डॉक्टर करण सिंह द्वारा इसी हॉल में, महाराजा हरि सिंह। उस पुस्तक के निकलने के बाद उसने विश्वभर में एक नया दृष्टि दी और महाराजा जी जिनके से हस्ताक्षर से कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ, उसके ऊपर लोग रिएसर्च करने लगे कि ये कितना सही है कितना गलत है उनका। तो हमें खुशी है कि उस कड़ी में हम जो कुछ कर पाए, उसका जो प्रयास था हमारा निकालने का, वो सार्थक हुआ। जिस वक्त हमने वो पुस्तक निकाली, तभी से लोगों ने आग्रह करना शुरू कर दिया कि हिंदी के क्या पाठकों के लिए इस पुस्तक को निकाला जाए। हमारे मित्र हरबंस सिंह से मैंने आग्रह किया कि वह उसका ट्रांसलेशन करें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, मैं इसका रूपांतर करूंगा। तो ये जो आपके सामने पुस्तक आएगी उसका ये रूपांतर है, और उन्होंने एक चैप्टर और ऐड किया है, वो क्या क्या है ये खुद बताएंगे। और जो दूसरी पुस्तक है सूफी सत्ता और समाज, मुझे आशा है कि वो भी एक माइलस्टोन साबित होगा हमारे प्रकाशन के लिए। आज हम जिस बिगड़ते समाज में जी रहे हैं, उसमें यह आवश्यक है कि हम इतिहास की उन धाराओं को देखें जो आज भी विद्यमान है हमारे उसमें, और सूफियों का आना या इस्लाम का प्रवेश करना हिंदुस्तान में, उसका सत्ता के साथ संबंध क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, अच्छा बुरा, और उन्होंने कैसे उसको हैंडल टैकल किया, वो हमको आज की स्थिति में देखना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपने मित्र हरबंस सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने उस वर्ष कहा था कि मैं ट्रायलॉजी दूंगा, तो मुझे उनसे आग्रह है कि उसके लिए अपना विलम्ब ना करें और जितनी जल्दी उस पुस्तक को लोगों के सामने लेके आए उतनी जल्दी हम उसको प्रकाशित कर पाएंगे। इसी के साथ कहते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।